नमस्कार दोस्तों, सीता फूड रेसिपी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं आज आई हूँ नई रेसिपी लेकर। तो आज हमारे यहाँ पितृ विसर्जन है दोस्तों। तो आज पितृ विसर्जन में हम बनाएंगे चावल और कढ़ी। तो कढ़ी हम उड़द की बनाएंगे दोस्तों, तो प्लीज़ मेरा वीडियो शुरू से तक देखते रहिए। तो चलिए हम उड़द की दाल को पहले पीस लेते हैं। यहाँ पर हमने उड़द की दाल को रात में ही भिगो दिया हुआ था। अब हम इसे सिलबट्टे पर रखकर इसको बारीक महीन पीस लेंगे। उड़द की दाल को हमने अच्छे से पीस लिया है दोस्तों, और मैं आपको बाकी चीजें दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर कढ़ी में डालने के लिए 3 हरा मिर्च लिया हुआ है, लहसुन लिया है, अदरक लिया है, थोड़ी सी साबुत धनिया ली है, और यहाँ पे हमने नमक लिया है, थोड़ा सा हमने मेथी दाना लिया है, हल्दी पाउडर लिया है और जीरा लिया है। तो अब हम बनाना शुरू करेंगे। बनाने के लिए हम सबसे पहले मिर्च, लहसुन, अदरक और धनिया का पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों धनिया, अदरक, लहसुन और मिर्च का पेस्ट हमने बना लिया है। तो अब हम कढ़ी बनाने के लिए चूल्हे में आग को जला लेते हैं। तो आग को हमने जला लिया है दोस्तों। अब हम रखेंगे कढ़ाई। अब इसमें डालेंगे हम सरसों का तेल। तो तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तो दोस्तों तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब हम सबसे पहले बड़े को तलेंगे। बड़ा जो है दोस्तों कढ़ी में बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए हम सबसे पहले थोड़े से उड़द की पीठी का हम बड़ा निकालेंगे। तो इस तरह हम हाथों से इसे बड़े का शेप देंगे। तो बड़े को हमने बना लिया है। अब हम इसे डालेंगे कढ़ाई में। तो इसी तरह से हम 3-4 बड़े बनाकर तैयार करेंगे। तो बड़े को हम पलट पलट कर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो 4 बड़े हमने बनाए हुए हैं दोस्तों। चारों बड़े हम तोड़कर कढ़ी में डालेंगे। तो बड़े हमारे अच्छी तरह से तल चुके हैं। अब इसे हम तेल से बाहर निकालेंगे। बड़े को हमने तेल से बाहर निकाल लिया दोस्तों। जो एक्स्ट्रा तेल है हम इसे थोड़ा सा कम करेंगे। तो तेल को हमने कम कर लिया है दोस्तों। अब हम लगाएंगे तड़का। तो तड़के के लिए हमने यहाँ पर मेथी दाना लिया है, इसे डाल देंगे, और इसी के साथ में डाल देंगे हम जीरा। इन दोनों को हम अच्छे से ब्राउन होने देंगे। तो जीरा मेथी हमारे ब्राउन हो चुके हैं। अब हम डालेंगे पेस्ट जिसे मैंने पीस कर रखा हुआ था, इसे भी अच्छी तरह से भून लेंगे। इसी के साथ में दोस्तों हम डाल देंगे हल्दी पाउडर। और इसे चलाते हुए हम अच्छे से भून लेंगे। तो मसाले हमारे अच्छे से भून चुके हैं। अब हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। तो पानी हमने मसाले वाला रखा हुआ था, वही डालेंगे। तो पानी को हमने डाल दिया है दोस्तों। अब इसे हम अच्छी तरह से पकने देंगे। तो उड़द का हम घोल बनाएंगे। तो घोल बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है भगोला। भगोले में हम डालेंगे पानी और इसका हम पतला घोल बनाएंगे दोस्तों। इस तरह हाथों से हम इसे मलते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इधर आप देख सकते हैं मसाले हमारे अच्छी तरह से पक चुके हैं। इसे हम एक बार और चलाएंगे। तो थोड़ी देर तक इसे हम और पकने देंगे। तो मसाला अच्छे से भून चुका है दोस्तों। अब हम डालेंगे जो घोल बनाकर रखा था उसे डाल देंगे। तो उड़द का घोल हमने डाल दिया है दोस्तों। अब इसे हम अच्छी तरह से मिलाएंगे मसालों में।
और इसी के साथ में डाल देंगे हम स्वाद अनुसार नमक। नमक को भी हम अच्छी तरह से मिला देंगे। तो दोस्तों कढ़ी को हमने कढ़ाई में डाल दिया हुआ है, अब इसे हम पकने देंगे अच्छी तरह से। तो कढ़ी में हमारे उबाल आ रहा है दोस्तों, अब हम डालेंगे बड़े को। तो बड़ा हमने काफी बड़ा बड़ा तला हुआ है, तो इसे हम बीच से तोड़कर आधा करेंगे। तो बड़े को हमने तोड़ लिया है दोस्तों, अब इसे हम डालेंगे कढ़ी में। अब इसको हम मिला देंगे। तो दोस्तों कढ़ी हमारी पकने वाली है, थोड़ी देर इसे हम और पकने देंगे। दोस्तों हमारे कढ़ी में से खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है, तो हमारी उड़द की कढ़ी बहुत अच्छी बनेगी। तो हम थोड़ी देर तक इसे और पकने देंगे। उड़द की कढ़ी हमारी बनकर तैयार है दोस्तों, आप देख सकते हैं कढ़ी हमारी बहुत ही अच्छी बनी हुई है। तो इसका कलर भी थोड़ा डाउन हो चुका है। कढ़ी को हमने अच्छे से पका लिया है दोस्तों, अब इसे हम चूल्हे से नीचे उतारेंगे। तो कढ़ी हमारी बन चुकी है दोस्तों, हम एक बर्तन में इसे सर्व कर देते हैं। तो कढ़ी हमारी बनकर तैयार है दोस्तों, अब इस पर हम लगाएंगे थोड़ा सा तड़का। अब डालेंगे हम थोड़ा सा सरसों तेल। तो तेल को हम गर्म होने देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों तड़के के लिए हमने लिया है लाल मिर्च, करी पत्ता और सरसों का दाना, तो इन सभी को हम इसमें डाल देंगे। तड़का हमारा तैयार है दोस्तों, अब हम इसे तड़का लगाते हैं। तो दोस्तों उड़द की कढ़ी हमारी बनकर तैयार है तड़के वाली। दोस्तों कढ़ी चावल हमारा बनकर तैयार है, तो हमने कढ़ी को चावल के साथ सर्व कर दिया है, तो खाने के लिए एकदम तैयार है दोस्तों। तो उड़द की दाल की कढ़ी हमारी बहुत ही अच्छी बनी हुई है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों उड़द की कढ़ी हमारी बनकर तैयार है। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।